आज हम लोग बात करेंगे कि फेक रिव्यूज से कैसे बचें। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं यूजुअली बात करता हूँ डिजिटल टूल्स और सर्विसेज के बारे में। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो ये है कि जो फेक रिव्यूज़ रहते हैं, फेक स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ रहते हैं, उसको कैसे पहचाने, उससे कैसे बचें। बहुत बार यहाँ पर मैं भी फंसा हूँ, स्टार्टिंग में जब मुझे होस्टिंग चाहिए थी तब मैंने पहले गोडैडी ली, फिर मुझे किसी ने कहा कि ब्लू होस्ट ले लो, और दोनों में मैं काफ़ी बुरी तरीके से फंस गया था। जब मैंने ब्लू होस्ट ली थी तो मैंने काफ़ी पॉपुलर ब्लॉगर है, मैंने उनसे पूछा था एंड उन्होंने कहा नहीं, ब्लू होस्ट ले लो, आप बढ़िया है, इंडिया के ऑडियंस है तो भी आपकी चल जाएगी। बट देन मुझे बाद में पता चला कि ये क्या हो गया, वो तो ठीक है, वो अपनी कमीशन ले गया, फाइन, लेकिन मुझे क्या पकड़ा गया ये। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं एंड जो मैं अभी यहाँ पर रिव्यूज़ करता हूँ एंड इवन जो मैं यहाँ पर हार्डवेयर के भी रिव्यूज़ करता हूँ अपने दूसरे चैनल के ऊपर, मेरा मेन पर्पस शायद से यहीं से आता है जो मेरे साथ पहले हुआ था कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो मैंने गलत डिसीजंस लिए थे मैं उसको यहाँ पर कवर कर पाऊँ। मैं वो जो गैप है एट प्रेजेंट, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का गैप है, मैं यहाँ पर उसको फिल कर पाऊँ ताकि जो यहाँ पर सामने वाले यूज़र्स है वो अपने लिए यहाँ पर खुद एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाए। सो अब मुझे यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ और काफ़ी टाइम से मैं रिव्यू वीडियोस भी कर रहा हूँ, तो मैं एक ही झलक में देख के बता सकता हूँ कि वो पेड है, वो स्पॉन्सर्ड है, वो रिव्यू सही है या गलत है, क्या मुझे उसे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड 99% ऑफ द टाइम्स मेरा जो इंट्यूशन रहता है वो सही रहता है, और इंट्यूशन भी नहीं है, एक्चुअल में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो इंट्यूशन आता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको 6 पॉइंट्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग खुद भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इट शुड एम्पावर यू, वो आपको एजुकेट करना चाहिए, जो भी कंटेंट है, जो भी रिव्यू है या फिर जिस भी तरह का वो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको एजुकेट करना चाहिए प्रॉपरली, क्या उसके प्रोज है, क्या इसको कौन से, किसको ये लेना चाहिए, किसको ये नहीं लेना चाहिए। इट शुड नॉट फोर्स यू कि बस यही अच्छा है और जो भी बाकी जो भी चीज़ें हैं मार्केट में वो बेकार है। कोई चीज़ यहाँ पर अच्छी या बेकार नहीं होती है, इट डिपेंड्स कि सामने वाले का यूज़ क्या है। अगर वो यहाँ पर आपको यूज़ केस के हिसाब से एजुकेट कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर वो सिर्फ उसी एक चीज़ को बेस्ट बता रहा है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कचरा है तो उससे यहाँ पर आपको दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो मैं अपने यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ बेस्ट वीपीएन बेस्ट होस्टिंग, मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन देता हूँ अलग अलग सिनेरियोस के हिसाब से कि जिनका बजट है उनके लिए क्या अच्छा है, जिनको यहाँ पर इंडिया में स्पीड चाहिए उनके लिए क्या चीज़ यहाँ पर बेटर ऑप्शन रहेगी, प्राइवेसी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन रहती है। पॉइंट नंबर 2, क्या उसने उसी तरह की सिमिलर सर्विसेज का यहाँ पर यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर किसी कार के रिकमेंडेशन दूँ, मान लो मैं यहाँ पर मारुति की ऑल्टो चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से एंड देन मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि ऑल्टो में ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप भी ऑल्टो ले लो, लेकिन अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही कार चलाई है तो फिर मैं आपको बाकी कार्स के बारे में क्या बताऊँगा, कैसे बताऊँगा उसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, किसको क्या लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी कार के बारे में तो फुल डिटेल्स बता सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरी कार के बारे में मैं बताऊँगा तो वो बेसलेस रहेगी, तो ऐसी चीज़ों पर भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 इज डिस्क्लेमर, अगर कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो या फिर एफिलिएट कंटेंट हो तो फिर रूल्स के हिसाब से क्रिएटर को यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है और अगर आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज करोगे तो इससे उस क्रिएटर को यहाँ पर कमीशन मिल सकती है। ये चीज़ें मैं हमेशा अपने वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरा कंटेंट यहाँ पर एफिलिएट नहीं होता है, मतलब मुझे अभी तक यहाँ पर एफिलिएट अप्रूवल नहीं मिलता है, तो फिर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर मुझे फ्यूचर में यहाँ पर एफिलिएट अप्रूवल मिल जाए तो फिर मैं यहाँ पर उस लिंक को रिप्लेस कर दूंगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहले तो ये रूल है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड करानी ही करानी है एंड सेकेंड, इससे व्यूअर को भी यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, तो ये चीज़ ज़रूर नोट करो कि डिस्क्लेमर यहाँ पर दिया जा रहा है प्रॉपरली कि नहीं। पॉइंट नंबर 4 इज एक्सपर्टीज़, कि उस फील्ड में कितना नॉलेज है सामने वाले को। मान लो एक ब्लॉगर है जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही वेबसाइट बनाई है और वो यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा है कोई वेब होस्टिंग या फिर वेबसाइट बिल्डर वाली सर्विस, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो होगा। नाउ स्पॉन्सरशिप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स हाउ क्रिएटर्स अर्न, दैट्स हाउ वी अर्न, लेकिन वो पहली बात तो वो चीज़ आपको यूज़र को बतानी चाहिए एंड सेकेंड, एज अ यूज़र ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उसका क्या यहाँ पर एक्सपर्ट नॉलेज है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रिसर्च करना है एंड देन खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है।
अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 है कि उनका रिव्यू कैसा है। अगर कोई भी यहाँ पर आप लोग रिव्यू देख रहे हो तो उसको आराम से ऑब्जर्व करो, क्या उसने सही से प्रोज बताए हैं, क्या कॉन्स बताए हैं, क्या यूज केस बताया है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, सिर्फ प्रोज ही प्रोज है या फिर सिर्फ कॉन्स ही कॉन्स है, तो या तो पर्सनली उसकी खुन्नस होगी उस कंपनी से, सिर्फ प्रोज ही प्रोज है तो या फिर उसको शायद से ज्यादा कमीशन मिल रहा होगा, या फिर वो स्पॉन्सर्ड वीडियो शायद से हो सकता है। ऐसी बहुत ही कम सर्विस रहेगी जिसके बारे में सिर्फ प्रोज ही प्रोज बोले जा सके और एक भी कॉन नहीं हो। पॉइंट नंबर 6 है कि जो उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है, क्या उसने उस सर्विस को एक्चुअल में यूज किया है या फिर वो सिर्फ आपको फीचर्स पढ़ के बता रहा है। और अगर उसने यूज़ नहीं भी किया है तो क्या उसने प्रॉपर रिसर्च करी है, क्या उसके पास नॉलेज है, क्या वो कुछ नया ऐड ऑन कर रहा है, क्या वो आपका रिसर्च का टाइम बचा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने भी काफ़ी लैपटॉप के रिव्यूज़ करे हैं जिसको एक्चुअल में मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन जो मेरा रिसर्च प्रोसेस होता था वो काफ़ी अच्छा होता था, वो काफ़ी डिटेल्ड होता था। मुझे रिसर्च करना पसंद है तो मैं अंदर तक घुस के उसकी पूरी रिसर्च कर लेता था, एंड देन क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और वो स्टार्टिंग में ही मैं डिक्लेयर कर देता था कि इसको मैंने एक्चुअल में यूज़ नहीं किया है, ये सिर्फ एक रिसर्च वीडियो है, जिससे यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका टाइम भी बचेगा रिसर्च करने का। और यहाँ पर वो चीज़ लोगों को पसंद भी आई, हालांकि मैंने देन धीरे धीरे यहाँ पर इसको बंद कर दिया है क्योंकि वो मुझे इतना पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सामने वाला बंदा है, अगर वो उसने यूज़ नहीं किया है तो क्या उसने यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च करी है, क्या उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्या उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है कि नहीं है। क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे सिर्फ वो फीचर्स के बारे में बता रहे हैं एंड दैट्स इट, और जो यहाँ पर उनकी पहले की अथॉरिटी बनी हुई है किसी और फील्ड के ऊपर, वो यहाँ पर इसको यूज़ करके उस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। सो ये थे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया होगा तो आप लोग मुझे यहाँ पे कॉमेंट में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।